लोगों को किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि वो आए बिना नहीं रह पाते। जो भी आप चाहे तरह तरह की किताबों का कलेक्शंस। मुझे पान खाना बहुत पसंद है, बेबी को बेस्ट पसंद है। रहा था, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से बहुत ही अच्छी कलेक्शंस की बुक मिल जाती है। तो गाइस, कैसे हो आप सब? और मेरे चैनल तनिष्का बेबू एंड मून में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, मैं आज सुबह सुबह बहुत अच्छा धूप निकला है तो मैं बैठ गई हूँ अपनी खिड़की पर। ये देखिए, बहुत ही स्पेशियस है मेरा खिड़की। बहुत सारी बातें करूँगी मैं आप लोगों से आज, पर पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। मेरी आज की ब्लॉग रिलेटेड है बुक फेयर से, साथ ही मैंने की है बहुत सारी मज़ेदार बातें। मेरे ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और यहाँ मेरी बेटी बैठकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रही है। खूबसूरत सा गणेश जी की मूर्ति मुझे भाई दूज के गिफ्ट में मिला था और मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है अपने जॉइंट बेडरूम के लेफ्ट साइड के रैक के ठीक ऊपर, जिससे कि सुबह उठकर हम भगवान जी को नमस्कार कर सके और एक खूबसूरत दिन का शुरुआत कर सके। हो चुकी है शाम, मेरा दूध वाला दूध देकर गया है और अब मैं जाऊंगी किचन में इसे अच्छी तरह से बॉयल करने। यहाँ इवनिंग स्नैक्स का टाइम भी हो चुका है और आज मैं बच्चों की हाई डिमांड में उनके लिए बनाने वाली हूँ चिकन कबाब की रेसिपी। पहले मैं किचन को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लूँगी, दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी, उसके बाद उनके लिए बनाऊँगी इवनिंग स्नैक्स। और आज हम शाम को जाने वाले हैं बुक फेयर में, मुझे बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ किताबें भी लेनी हैं। हस्बैंड को मैंने कह दिया था आज जल्दी घर आने को, तो चलिए, मैंने अब दूध गर्म कर लिया है और उसके बाद अब मैं जाऊंगी शाम का दिया जलाने और फिर चलेंगे बुक फेयर में। फ्रेंड्स, मैं और मेरी फैमिली हस्बैंड के साथ आ चुके हैं बुक फेयर में। बहुत ही बड़ा और स्पेशियस प्लेस में बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ मिलते हैं जो भी आप चाहे तरह तरह की किताबों का कलेक्शंस। मेरे बेटे ने यहाँ आकर पान का डिमांड किया है, उसके लिए उसके डैडी पान खरीद रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पान मिला हमें यहाँ से। यहाँ स्नैक्स, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न, साथ ही फास्ट फूड के भी स्टॉल अवेलेबल की गई है पब्लिक के लिए। मैंने मम्मी, सास ससुर के लिए आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल की कुछ किताबें भी खरीदी, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। कहते हैं अ बुक इज़ अ गिफ्ट दैट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। नॉट ओनली बुक्स, यहाँ डोगरा सिल्क, हैंडवर्क पेंटिंग्स, स्पिरिचुअल पेंटिंग्स भी अवेलेबल की गई थी। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से बहुत ही अच्छे कलेक्शंस की बुक मिल जाती है। मैंने भी यहाँ जनरल नॉलेज के और न्यू अपडेट्स की कुछ किताबें अपने लिए खरीदे। बहुत ही मज़ा आया इस बार हमें बुक फेयर में। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमी हुई थी, कोरोना है फिर भी लोगों को किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि वो आए बिना नहीं रह पाते। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर वापस और यहाँ मैंने पनीर को फ्राई करके रख दिया है, मसाला तैयार करके रख दिया है और अब मैं आज रात का डिनर बनाऊँगी, जो है फूल गोभी पनीर की सब्ज़ी। यहाँ मैंने गोभी को फ्राई करने के लिए पैन पर
पैन में चढ़ा दिया है। फ्राई होते होते मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और अच्छी तरह से पहले फ्राई करूंगी। मसाले के तौर पर मैं डालूंगी अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चा और धनिया का पेस्ट। मसाला फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें पानी और इसे थोड़ी देर उबलने दूंगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल तनिष्का बेबो एंड मून को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।